The Daily Show with Munir Memon. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर रेमन के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत ही बड़ी दिफाई नुमाइश जारी है, आइडियाज 2022 के उन्वान से कराची में एक्सपो सेंटर में नुमाइश जारी है, और इसमें हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की जो शुरका हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर साल की तरह ये नुमाइश बढ़ती हुई जा रही, बढ़ती दिखाई दे रही है, इसमें एक मैसिव ग्रोथ दिखाई दे रही है। नए लोग, नए ममालिक, नए इसमें जो प्लेयर्स हैं वो शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये नुमाइश यकीनी तौर पर दिफाई कुव्वत को पाकिस्तान की जिस अंदाज से दुनिया के सामने पेश करती है उसका यकीन तौर पे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में और दिफाई एतबार से भरपूर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां पे ये सूरत हाल है वहां पे सियासी मामलात में भी बड़े सारे मामलात हैं, बहुत से उतार चढ़ाव हैं, बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनको जो जवाब तलब चाहते हैं, जिनके जवाब बहुत जल्द मिल जाए तो बहुत बेहतर है। इस वक्त मौजूदा सिनेरियो में कुछ अहम फैसले होने हैं, वो फैसले कब होंगे ये बड़ा सवाल है। हुकूमत ये फैसले क्यों नहीं कर पा रही, और अभी तक अगर ये फैसले ना किए जाए गए तो उसके पीछे की क्या वजूहत है। ये फैसले वो हैं जिनसे हुकूमत करके बासानी तौर पर अपनी पोजिशन को मुस्तकम भी कर सकती है, और इस वक्त हुकूमत जिस मामला से दो चार है, जो एक लॉन्ग मार्च का सामना है, जो सामने अपोजिशन की जानिब से भी एक बड़ा कड़ा वक्त दिखाई दे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, टफ टाइम दिखाई दे रहा है, उसको भी हुकूमत मेलो डाउन कर सकती है। लेकिन सबके बावजूद हुकूमत ये तमाम तरह फैसले नहीं कर पा रही, और नहीं कर पाने की वजह आखिर क्या है, यकीन तौर पर वजह जानने की कोशिश करेंगे। आज प्रोग्राम में कुछ इसी हवाले से गुफ्तगु होगी, और खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया बरतानवी अखबार को, उस इंटरव्यू के हवाले से तहरीक इंसाफ का मौकफ सामने आया, उस मौकफ में क्या कहा गया, इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। तस्कर हम जो कर रहे थे कि इस्लामाबाद में जो तब्दीलियां हो रही हैं, मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कोविड की इतलात के पेश नज़र मुल्क से इस वक्त भी दूर हैं, और जो इस वक्त इतलात थी कि अहम फैसले होने, वह अहम फैसले ना हो सके, इनमें ताखीर हो रही है, जो मुशावरती अमल था वो भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो फिर ये अहम फैसले कब होंगे, ये एक बड़ा सवाल और दिलचस्प सवाल है कि जो अहम फैसले जिस हवाले से कहा जा रहा था कि हुकूमत बरसर इक्तदार आई, हुकूमत ने इक्तदार संभाला और 6 माह से इस फैसले की तैयारी की जा रही थी, तो अब तक ये फैसले क्यों नहीं किए जा सके, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें इस वक्त सीनियर सहाफी तजिया का इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे हमें रिजवान शाह साहब। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब ये बताइए, हुकूमत 6 माह से एक अहम फैसले की तैयारी कर रही थी, हुकूमत ने सोचा था, प्लान किया था, तैयारियां तमाम थी, हुकूमत के पास तजुर्बा भी है इस तरह के फैसले करने का, सर ये फैसला हो क्यों नहीं पा रहा, ये ऐसा कौन सा फैसला है जो हुकूमत करने से इतनी ज्यादा खौफजदा है कि हुकूमत से ये फैसले नहीं हो पा रहे। देखिए पहली दफा इस तरह हो रहा है कि एक ये अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ की ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है हुकूमत के लिए, इसलिए इख्तियार कर गई है कि हुकूमत के पास हुकूमत की बहुत साख गिर गई है, हुकूमत को अवामी मकबूलियत खो चुकी है हुकूमत, और हुकूमत को इमरान खान के लॉन्ग मार्च का भी सामना है। उनको अगले इलेक्शंस के लिए एक सेफ तरीका चाहिए, उनको एक ऐसा तरीका कार चाहिए जिसमें उनको कोई फेवर मिल सके, शायद वो उस फेवर की तलाश में वो एक ऐसा आर्मी चीफ चाहते हैं जो उनको नेक्स्ट इलेक्शन के लिए फेवर दे, लेकिन ये होने नहीं लगा और उनसे अभी फैसला नहीं हो पा रहा क्योंकि उनको खौफ है कि हमारे दोबारा केसेस ना खुल जाए, हमारा जो इलेक्शन अब आने वाला है उस इलेक्शन के लिए किस तरह हम उसमें जाएंगे, बयानियाँ कोई नहीं हुकूमत के पास अगले इलेक्शन में जाने का,
यकीनन दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पीएम खुद भी किसी रिजवान साहब एक बात समझाएं हमें जरा, बड़ी क्यूरियोसिटी इस हवाले से, शहबाज शरीफ साहब ये फैसला करने के एतबार से अहम मुशावरत करने के लिए घर से बरतानिया गए, वहां पर अपने भाई से उन्होंने बातें की, मुलाकातें की, अपनी क्लोज फैमिली से मुलाकातें की, और फिर ये कहा जा रहा था कि वो वतन वापसी आएंगे, अपने इत्तेहादियों को इस हवाले से कॉन्फिडेंस मिलेंगे और फिर ये फैसला सुना दिया जाएगा। क्या ये ऐसा ही होने जा रहा था या सिर्फ ये तस्वीर पेश की जा रही थी, दरअसल सूरताल कुछ और है? नहीं, होना गए वो इसीलिए थे कि मशवरा करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोनों भाई भी एक पेज पर नहीं है। पहले तो ये कहते थे ना कि इमरान खान और सारे एक पेज पर नहीं है, मुझे आज ये लगता है कि दोनों भाई भी एक पेज पर नहीं है। सर ये आप इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब, छोटे मियां साहब, बड़े मियां साहब एक पेज पे नहीं है, आप ये बात कह रहे हैं? जी बिल्कुल एक पेज पे नहीं है, वो अपनी मर्जी का तरीका कार। सर ये खबर है या तजिया? मर्जी का तरीका कार जाते हैं शाह साहब, ये खबर है या तजिया? इसको आप खबर भी समझे और तजिया भी समझे, ये बिल्कुल खबर भी है। चले तो अब क्या हो रहा है, क्या अब वहां पे कंफ्यूजन है गालिबन? अब दो हफ्ते का वक्त मिल गया, तो ये जो सूरत हाल है अब आपको लगता है कि काबू में आ जाएगी? जो अगर डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस ओपिनियन हैं, तो शायद वो अब डिफरेंसेस कम हो सकेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगने लगा, क्योंकि जो चीज ये चाह रहे हैं वो शायद होने वाली नहीं है। और देखिए, हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी चाहूंगा, आप भी चाहेंगे कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये बिल्कुल मेरिट के ऊपर हो, इस अपॉइंटमेंट के अंदर किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का सामना ना हो आर्मी को, आर्मी इसको एक मेरिट पे करे, एक ऐसा जर्नल लेकर आए जो आर्मी की साख को भी बहाल करे, हमारे जो हमें हमारे मुल्क को खतरात दरपेश है उस उन खतरात को भी देखे, मुल्क को भी संभाले। और मुल्क की माशी सूरत हाल इस वक्त इतनी खौफनाक हो चुकी है जिसका लोग अंदाज़ा नहीं कर रहे। तो इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र मेरा ख्याल है कि आर्मी खुद भी चाहती है कि एक मेरिट के ऊपर आए और उसके ऊपर किसी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो। और इसी लेकिन शाह साहब, ये जो फैसले में ताकीर की जा रही है, शाह साहब कथा कलामी की माजरत, ये जो फैसले में ताकीर की जा रही है, ये तो खुद ओवरऑल इस तमाम तक प्रोसेस को इतना डाउटफुल बना रही है। हालांकि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल प्रोसीजर है, इसमें इतने सारे पेशोखम नहीं होने चाहिए थे, इतने सारे सवाल नहीं खड़े होने चाहिए थे। नहीं, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ये एक सिंपल प्रोसेस है, इसको एक सिंपल प्रोसेस की तरह ही होना चाहिए था। एक समरी आए, एक समरी के ऊपर जो नाम हो, नामों में से बेस्ट को सिलेक्ट कर लिया जाए और बेस्ट को अपॉइंट कर दिया जाए। लेकिन हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अब जब ये पीडीएम की जमातें आपस में मिली है, इनका इत्तेहाद है, तो ये हमेशा से आर्मी को मुतनाज़ा बनाते आए हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो ये एक सिंपल सी चीज को मुतनाजा इसलिए बना रहे हैं, इश्यूज की सियासत खेल रहे हैं। आपको लगता है शाह साहब के इस फैसले की ताखीर से हुकूमत को किसी किस्म का कोई फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? हुकूमत किसी तरफ से किसी मराद की या कोई सहूलत की मुतलाशी है जो हुकूमत चाहती है कि वो कुछ हो जाए तो फिर ये फैसला करने में हुकूमत के लिए आसानी हो? आप बड़े चुपते हुए और बड़े मासूमाना सवाल करते हैं मेहमान साहब, बिल्कुल आपने बेहतरीन पॉइंट उठाया है। इससे मुझे नहीं लगता कि ये जितना ताखीर करेगी उससे ये महसूस हो रहा है कि हुकूमत खुद कंफ्यूज है, इससे कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा। अच्छा सर, तासुर तो फिर ये भी जा रहा है ना कि शायद इस वक्त हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, आखिरी में एक पर्चा आएगा और हुकूमत को या मौजूदा वजीर आजम को उसके ऊपर दस्तखत करके ये बस ये तासुर देना होगा कि फैसला उन्होंने किया, तो दरअसल तो फैसला शायद होता हुआ है। जी बिल्कुल 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 आपने ये भी थ्योरी तो ये भी चल रही है ना। याद होगा मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम के अंदर भी यही बात कही थी कि बेसिकली हुकूमत मुतनाजा चीजों को इसलिए बना रही है कि सिचुएशन कोई ऐसी हो, कोई एक ऐसा सियासी हादसा पेश आए जिससे इस हुकूमत को एक सियासी शहादत मिल जाए और अगले इलेक्शन में जाने का एक बयानिया सेट हो जाए। सर मुझे एक चीज और बताइएगा रिजवान साहब, इस वक्त खान साहब की जो पूरी तहरीक है वो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से नजर आती है, अमेरिका के हवाले से नजर आती है? आज अगर हुकूमत ये फैसला जल्द सुना देती है और ये अहम फैसला हो जाता है तो कहीं ना कहीं हुकूमत को तो एक तरीके से रिलीफ हो जाएगा, हुकूमत खान साहब के बयानिए को, नैरेटिव को किसी तरह तौर पर नलीफाई कर सकती है। हुकूमत फिर भी नहीं कर रही, इसके पीछे भी तो कोई वजह होगी कि हुकूमत जानती है कि एक फैसला खान साहब के बहुत बड़े बयानिए को शिकस्त दे सकता है, वो फैसला क्यों नहीं कर पा रही हुकूमत? देखें, वो फैसला हुकूमत इसलिए नहीं कर पा रही कि हुकूमत के पास न पीछे कुछ है न आगे कुछ है। अब हुकूमत के पास पीछे घड़ा है, आगे खाई है, हुकूमत दोनों सूरतों में जो है बेनिफिशियरी नहीं है किसी भी हालात के।
उनके पास कोई सियासी बयानिया नहीं है। देखें सारे तमाम लोग तमाम सियासी जमातें इस वक्त आने वाले इलेक्शन को भी मद्देनजर रख रही हैं और वो सबसे बड़ा उनका पॉइंट है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आगे इलेक्शन के अंदर कोई रास्ता नहीं नजर आएगा, कोई उन्हें अपनी जगह नहीं नजर आएगी, तो चीजों को तुम मुतनाजा बनाएंगे सियासी लोग। तो शाह साहब ये जरा समझाए ना। चले ये मामला हो गया, ये समझ आ गया कि शायद गवर्नमेंट इसको ओवरऑल इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती हुई देख रही है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहती है जो शायद गवर्नमेंट को किसी तौर पे सूट करे। लेकिन खान साहब ने आज से दो रोज पहले एक इंटरव्यू दिया बरतानवी अखबार को, उस इंटरव्यू में जो कुछ बातें कही गई और फिर उसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जिस तरीके से प्रेजेंट किया, सर दरअसल उस इंटरव्यू में क्या कहा गया था? क्या खान साहब अमेरिकी साजिश के हवाले से जो मौकफ रखते थे, मुदाखलत के हवाले से जो मौकफ रखते थे, क्या वो उससे दस्तबरदार हो गए? क्या वो अमेरिका के साथ मामलात को बेहतर करने की ख्वाहिशमंद है? सर हो क्या रहा है दरअसल, ये बताइएगा। देखें उस इंटरव्यू को उसके कॉन्टेक्स्ट से हट के सुनाया गया, उसमें से चीदा चीदा पॉइंट निकाल के सुनाए गए और उन पॉइंट्स के ऊपर खान साहब के इंटरव्यू को मुतनाज़ा बनाया गया। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जिस तरह लास्ट खान साहब का जो इंटरव्यू हुआ था सेकंड लास्ट, उसके अंदर आपने देखा होगा कहा गया कि जी वो स्टाफी ने जो है ना अपने कमेंट्स जो है ट्वीट के अंदर बंद कर दिए। उसने कहा मैं हमेशा अपने कमेंट्स बंद करती हूँ क्योंकि मुझे थ्रेट्स हैं। इसी तरह जो गवर्नमेंट का हुकूमत नवाज मीडिया है वो ये हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करता है, जबकि खान साहब ने ये बात कही थी कि हम अमरीका के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं लेकिन हम उनके गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। मैं मफहूम में आपको समझा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड नहीं समझा रहा। तो अगर आप ये कहें कि मैं अमरीका का, सर मुझे सिर्फ ये क्लियर कर दें क्या खान साहब ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जरा मेरी बात सुन लें आप, कि अगर उस पूरी लाइन के अंदर से खाली आपको मैं ये कहूँ कि जी मैं अमरीका के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, आप इस जुमले के ऊपर इस जुमले को बुनियाद बनाकर एक मीडिया के ऊपर खान साहब का एक बयानिया करें कि जी वो अमरीका से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन वो उस वक्त तक जुमला कंप्लीट नहीं होता जब तक आप उसमें ये ना कहें कि मैं अमेरिका से दोस्ती करना चाहता हूं लेकिन उनके हम गुलामी के तौर पे काम नहीं कर सकते, हम बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। सर मुझे रिजवान साहब ये बताएं, क्लैरिटी दे दें, बड़ा दो टोक अंदाज में सवाल पूछूंगा कि क्या खान साहब ने अमरीकी साजिश, अमरीकी मुदाखलत का जो बयानिया था उससे खुद को दस्तबरदार कर दिया है? क्या ये बात हुई है? नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, बिल्कुल भी कोई बात नहीं हुई इस तरह की। लेकिन एक मतलब अखज किया गया ना, मीडिया पे एक बयानिया दिया गया और मतलब अखज किया गया कि खान साहब ने कहा जी वो साजिश खत्म हो गई तो अब मैं जो है ना वो इंटरनल के ऊपर बात करता हूँ, इस तरह नहीं है। देखिए ये एक होता है कि आप एक जुमले को लें, उसमें अपनी मतलब के जो है ना अल्फाज सुने और उसके ऊपर डिबेट करवा दें आप। तो मैं अगर आपकी बात समझ रहा हूं कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि मामलात खराब हुए लेकिन वे फॉरवर्ड आगे चल के हमने क्योंकि साथ रहना है, मामलात को साथ देखना है, तो अब हमने गुज़िश्ता बातों को नहीं दोहराना, आने वाले कल को देखना है, ये बात कही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, खान साहब भी चाहते हैं कि अब आगे बढ़ा जाए, जो हुआ है वो हो गया है, अब आगे बढ़े। सर लेकिन आप जो खान साहब की इस ख्वाहिश का बता रहे हैं ना, उससे हुकूमती हलकों में थोड़ी सी तशवीश पाई जा रही है, हुकूमत कहीं ना कहीं परेशान है कि कहीं खान साहब के मामला एस्टैब्लिशमेंट से और दीगर पावर हाउसेस से कोई बेहतर तो नहीं हो गए, कि खान साहब का जो स्टेटमेंट है, जो बयानिया है, वो बहुत ज्यादा मध्यम हो गया, मेलो डाउन हो गया। खान साहब जो अग्रेसिव बातें किया करते थे अब वो कहीं ना कहीं वो कंपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हुकूमत के मामला बिगड़ते हुए दिखाई दे और खान साहब के बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिये ये बिल्कुल वही मिसाल है कि जो भी कभी कोई चोर चोरी करने के लिए जाता है ना, तो वो दुनिया का बुजदिल तरीन इंसान होता है। एक हल्की सी जो है खटक होती है, एक हल्की सी आहट होती है, चोर की जान निकलती है। तो अब इनको कहीं से भी अगर इस तरह का ऐसे लगता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट खान साहब के साथ कोई डील कर रही है या शायद खान साहब कोई कहीं पे बेनिफिट लेकर आ जाएंगे, तो ये खटके तो हैं उन्हें। सर आपको नहीं लगता कि अगर आपको नहीं लगता कि हुकूमत को ये तासुर जा रहा है कि खान साहब के मामलात तय हो चुके हैं, खान साहब की कोई डील हो चुकी है, खान साहब के जो इश्यूज है वो रिजॉल्व हो चुके हैं? क्योंकि अगर मौजूदा सिनेरियो को देखा जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क से दूर, मरियम नवाज साहिबा मुल्क से दूर, मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वो मुल्क से दूर, उनकी औलादें वैसी मुल्क से दूर, सर तो सारा तो पूरा खानदान तो मुल्क से दूर है, तो कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रहा है कि शायद आने वाले दिनों में सूरत हाल उनके हक में ना हो। इसमें आप राणा सनाउल्ला साहब का जिक्र करना भूल गए हैं, वो भी चाह रहे हैं कि बैरून मुल्क इलाज, उनकी तो ख्वाहिश है ना सर, अभी तो ख्वाहिश अमली जामा ना पहना सके ना उस पर।
बिल्कुल सही लफ्ज, आप बहुत शानदार बोलना शुरू हो गए मेमन साहब, टू द पॉइंट। बिल्कुल आप बात की खोज निकालने के लिए बहुत बेहतरीन बात करते हैं माशाल्लाह, और यही आदत आपकी पसंद है। तो सर बताइए ना, ये क्यों सारा खानदान मुल्क से दूर है, और खान साहब के मामलात एक तरीके से खान साहब का स्टेटमेंट भी तब्दील हो रहा है, खान साहब का बयान भी ये कह सकते हैं कि मध्यम हो रहा है एक तरीके से। नहीं देखें, बात यह है कि खान साहब ने कहीं अपनी लाइन चेंज किया, खान साहब ने कहा है कि मैं लॉन्ग मार्च नहीं करूंगा, खान साहब ने ये कहा है कि आर्मी चीफ मेरी मर्जी का हो, मौजूदा सिनेरियो की लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ताज़ा तरीन जो है उसमें खान साहब कुछ, खान साहब कह रहे हैं आर्मी मेरी है, आर्मी पाकिस्तान की है, कौम अपनी आर्मी को अपने जो है ना फौज को पसंद करती है, और फौज जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो खान साहब के किसी बयानिए में तब्दीली नहीं हुई, खान साहब ये कह रहे हैं कि ये बात उनकी देखें वैलिड है, खान साहब कह रहे हैं कि अगर वो लोग जिनके ऊपर केसेस, खान साहब का बयानिया नहीं तब्दील हो रहा, उनकी स्ट्रेटेजी तब्दील हो रही है, ये कहा जा सकता है। खान साहब की स्ट्रेटेजी उस तरह तब्दील नहीं हुई मेहमत साहब, आप अभी मेरा पूरा पॉइंट आपने सुना नहीं है। देखें खान साहब अपने जो भी उनकी चीजें थी ना उसके ऊपर स्टिक ऑन है, खान साहब ने कहीं भी ये मुतालबा नहीं किया कि आर्मी चीफ मैं अपनी मर्जी से करूंगा, खान साहब कह रहे हैं तैनाती है, उस अपॉइंटमेंट ने होना है, उस अपॉइंटमेंट को वो जाना चाहिए, मुल्क को ज्यादा देर तक आप इन हालात में नहीं चला सकते, माशी हालात बहुत संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं, IMF फिर दोबारा घंटियां बजा रहा है हमारे लिए खतरे की। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये इस हुकूमत को चाहिए था कि फौरी तौर पर ये अपॉइंटमेंट करते ताकि मुल्क। शाह साहब आपका पॉइंट आ गया, आप मुझे कंक्लूड कर दें कि अब होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लॉन्ग मार्च बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है, एक जानिब असद उमर साहब भी पैरेलल जलसे कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब लॉन्ग मार्च को लीड कर रहे हैं, खान साहब की सेहत के हवाले से भी इतलात आ रही है कि वो हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रही है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि खान साहब जल्द सियासत के मैदान में अमली तौर पर नजर आएंगे। सर ये लॉन्ग मार्च का रुख कब तय होगा, और ये कब अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा, और आखिर में सियासत में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर दो हफ्ते तक शहबाज शरीफ साहब नहीं आते और जो अहम फैसले हैं वो 25 तारीख से पहले होने हैं, तो सर ये कैसे, ये मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगी। देखिए मेहमत साहब बात यह है कि ये जो अपॉइंटमेंट है इसने तो होना ही होना है, किसी भी सूरत में इसने अपने टाइम पर ही होना है, ये क्या ये मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क में ना हो और ये अपॉइंटमेंट हो जाए उनकी जानिब से? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है कि वो अपॉइंटमेंट कर दे, अनाउंसमेंट कर दे उस अपॉइंटमेंट का, और उनको करना पड़ेगा। और जो खान साहब का आपने पूछा लॉन्ग मार्च के हवाले से, देखें खान साहब की स्ट्रेटेजी अब जो नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि खान साहब कोई भी महाजाराई इदारों से नहीं चाह रहे, खान साहब ये चाह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट अपने वक्त पर हो जाए, उसके बाद वो अपनी अगली सियासी जो है हिकमत अमली को वाजे करें आवाम के सामने। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये लॉन्ग मार्च नवंबर के खत्म होने से पहले सलामत पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी तक तो इस बात में कुछ भी कहना मुश्किल है कि जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है कि कब ये इस्लामाबाद पहुंचेगा, फिर आगे का क्या लायामल होगा, क्योंकि वो धरना होगा, वो एहतजाज होगा, वो एक दिन का जलसा होगा, उसके बाद तो कुछ भी अभी नहीं कहा जा रहा। देखें मेहमान साहब अभी सूरत हाल ये है कि ये जो अब हफ्ता शुरू हुआ है ये हफ्ता बहुत बहुत अहमियत इख्तियार कर गया, और हमें अगले 8 दिन के अंदर ये तमाम बातों के जवाब मिल जाएंगे, इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि अब सियासी महादाराई कहाँ तक जाएगी, क्योंकि खान साहब ने अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है, वो लॉन्ग मार्च के लिए बिल्कुल रेडी हैं, उनका लॉन्ग मार्च चल रहा है, इस दौरान उनके सेहत के जो मसाइल थे वो भी हल हो रहे हैं, वो सेहतयाब भी हो रहे हैं, और लॉन्ग मार्च में अमली तौर पे शिरकत भी करने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान शाह साहब, आपने मौकफ दिया, और यकीन तौर पे इस वक्त ये 2-3 रोज में जब आइडियाज की नुमाइश इस वक्त कराची में जारी है, जब ये मुकम्मल तौर पे काम पजीर हो जाएगी, इसके बाद जो आने वाला हफ्ता है वो यकीन तौर पे अहम फैसलों का हफ्ता होने जा रहा है, अहम फैसले हैं, अहम मामला तय होने हैं, और इन फैसलों को शायद वो शहबाज शरीफ साहब अपनी मंशा से या अपने तमाम तर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के साथ मिलकर करें, या फिर दीगर सूरत हाल के तहत वो कुछ और मामला तय होते हुए दिखाई दें, यकीन तौर पे इसका तयन वक्त करेगा, लेकिन जो भी होगा जल्द होगा, और जल्द होना है, टाइम पे होना है, क्योंकि अब वक्त बहुत महदूद रह गया। उम्मीद करते हैं जो हो बेहतर हो। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।